तो कैरेक्टर बैठे हुए हैं इस वक्त 40 सालों से, पता नहीं कैसे मैंने इनको झेला। रक्षाबंधन के धागे पहाड़ों में जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो सेल बनता है, औरतें वो पहनती है गलोबंद देन पौंजी। और ऐसे देखो फेरे पड़ेंगे अटेम्प्ट नंबर 2। भाइयों से वीडियो भी शूट कराती हूँ मैं, मिस कर रही थी वो और काविश को। Welcome to a new episode on my channel and a new day in my life. आज का दिन क्या है? Special. Well, आज मेरी छुट्टी है शूट से, आज रक्षाबंधन है। घर पे आए हुए हैं मेरे कजिन्स, मेरे मामा। मम्मी मामा को राखी बांधेगी, मैं अपने कजिन्स को राखी बांधूंगी और बाकी कजिन्स जो नहीं मिल पाए, जो देश के अलग अलग कोनों में हैं, उनको जा चुकी है राखी। आज काविश की छुट्टी नहीं है क्योंकि इस बार रक्षाबंधन 2 दिनों पर स्पिल्ड था। कुछ लोगों ने कहा कि 30th को रात को 9 बजे के बाद मुहूर्त शुरू होगा और 31st तक रहेगा। अब काविश की और बहुत सारे बच्चों की छुट्टी कल थी, तो काविश और उसकी कजिन ने कल एक दूसरे के साथ रक्षाबंधन मना लिया। हमारा भी कल ही मनने वाला था बट अचानक मेरा शूट आ गया। काविश आज गया है स्कूल, हम मना रहे हैं रक्षाबंधन घर पर। सिंपल सा रक्षाबंधन है, नथिंग फैंसी, बहुत डेकोरेट भी नहीं किया है मैंने अपने आप को, जस्ट वोन अ सिंपल कुर्ता, टेकन दिस फ्रॉम विद्यार्थी। सोचा था रील बनाऊंगी बट मौका नहीं मिल रहा है, कुछ भाई जल्दी में है। आइए आपको एक झलक दिखाएं रक्षाबंधन की। यहाँ पर कुछ खाना वगैरह बना है, सब कुछ क्वाइट मेसी है। मम्मी ने कुछ डेकोरेशन करी है यहाँ पर। ये क्या है, मालपुआ वगैरह? पर भी कुछ आधा अधूरा सेटअप हुआ है। आइए देखते हैं कि घर पर हमारे कौन गेस्ट आए हुए हैं। ओह माय गॉड, मम्मी एंड मामा। मामा नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू फॉर फीचरिंग ऑफिशियली इन माय व्लॉग टुडे। यस, आर यू एक्साइटेड अबाउट टाइंग राखी टू योर ब्रदर? हाय आशु, वेलकम टू माय व्लॉग। हैप्पी रक्षाबंधन। ये जो कैरेक्टर बैठे हुए हैं इस वक्त हमारी जिंदगी में, ये फीचर नहीं हो रहे हैं ब्लॉग में। ये कैरेक्टर की जितनी तारीफ हम करें उतनी कम है। आने वाले ब्लॉग में आपको बताया जाएगा कुछ कुछ इनके बारे में। बहुत इंटेलिजेंट है, कंपैशनेट भी है, बहुत अजीब भी है, बहुत मिस्टीरियस भी है। ऐसा पैकेज है जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ अपने साथ लेकर घूमते हैं। मेरी जिंदगी में ये पैकेज आए हैं कुछ 40 सालों से, पता नहीं कैसे मैंने इनको झेला इतने साल, बट अब मैंने झेल ही लिया है और आप लोग भी मेरे ब्लॉग का एक पार्ट बन ही गए हैं, तो आप लोग भी झेलिए। मम्मी बना रही है यहाँ पर सेल। सेल एक पहाड़ी डिश होता है, किससे बना होता है मम्मी? चावल का आटा और एक दोना होता है हमारे पहाड़ों में, प्लांट की जड़ और छिलका हो तो छिलके यूज करते हैं। कुछ ट्रेडिशनल चीजें होती है कल्चरली, तो पहाड़ों में जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो सेल बनता है या फिर औरतें वो पहनती है गलोबंद देन पौंजी। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि एलैबोरेटली मम्मी बताए, सो यू हैव टू सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर मम्मी। राम बना रहा है ककड़ी का रायता, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, दैट अमेजिंग पहाड़ी ककड़ी रायता। इफ यू हैवंट ट्राइड इट, डू गिव इट अ ट्राई। राम सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा बनाने के, कि सच में बना भी रहा है? बना रहा हूँ। तब तक मैं इन रक्षा बंधन के धागों को अच्छे से कट करके रखती हूँ। मम्मी को देख लो जरा, लगी हुई है, लगी हुई है। ऐसे आना चाहिए और ऐसे देखो फेरे पड़ेंगे, अभी देखो फेरे पड़ेंगे। एक्चुअली मम्मी का ये वाला जो ट्रायल वाला था वो ठीक नहीं लग रहा था मम्मी को। वो आटे पे भी डिपेंड होता है ना, कितना पुराना है कितना नया है। तो अभी एक डालती हूं मम्मी का अटेम्प्ट नंबर 2। ये मीठा होता है राइट, और बहुत कम कम मीठा होता है, मतलब मीठा बना सकते हैं क्या चाहिए। यहाँ पर पूजा की थाली ऑलमोस्ट रेडी है और ये प्यारे प्यारे रक्षाबंधन के धागे भी रेडी हैं। सो प्रिटी। आप लोग साथ होता है ऐसा, हम सो बैड विद योर माचिस सामने खाने, और ये सारे फैंसी लाइटर्स अभी काम नहीं आएंगे, सब छुप जाएंगे कहीं कहीं ड्रॉर्स में। राम भैया ने फैसला किया कि वो जलाएंगे। फाइनली राम भैया जला चुके हैं, ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे जला नहीं पा रहे। अपने भाइयों से वीडियो भी शूट कराती हूँ मैं। राखी बांध दी गई है। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल टीका।
आज कोई पूछ रहे पहले राखी बांधने की आरती करना, इतने साल हो गए करते करते पता नहीं क्यों सीमन से याद नहीं रहा। कौन सा गाना तुमको मीठा हो? हैप्पी रक्षाबंधन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। कागज के लिए क्यों? जलवा है हमारा। अब मम्मी की बारी है। शक्ल कैसी हो जाती है? बहुत सुंदर शक्ल चल रही है। काविश को हम बहुत मिस कर रहे हैं। अगर वो आज होता तो 3 generations की रक्षाबंधन वो देखता आज, मम्मी और मामा की, मेरी और मेरे कजिन की, और उसकी और उसके कजिन की। उसका कल हो गया, मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। बट आई एम ग्लैड कि मैं इस व्लॉग्स के माध्यम से उसे भी दिखाऊंगी कि दिस इज व्हाट मम्मा डिड इन योर एब्सेंस। सो इट्स अ गुड थिंग। सीरियसली आई कीप सेइंग दैट मेरे व्लॉग्स मेरी एल्बम बन चुके हैं, मेरी जर्नल बन चुके हैं। यू नो व्हेनेवर आई लुक बैक इट्स अ ब्यूटीफुल फॉन्ड मेमोरी। सो थैंक यू एवरीबॉडी। पहले अपने को लगाना होता है एक मेरी पसंद, एक दादा की। अच्छा तो दादा को पसंद है लाल राखी, टू इन वन राखी, और एक गणेश जी है ना रक्षा करेंगे, टू इन वन। काविश और टियाशा अगर होते तो टियाशा डांस कर रही होती, डांस का उसको बहुत शौक है, तो हम कहते टियू ये गाने पे डांस करो, वो गाने पे, और काविश एंटरटेन हो रहा होता उसको देख देख कर। हम मिस कर रहे हैं टियू और काविश को, एंड किरण तुझे भी मिस कर रहे हैं इसके बारे की तू बुरा मान जाए। फाइनली मम्मी का सेल बन चुका है। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी बिजी लाइफ में भी जब ये त्योहार हमारी जिंदगी में आते हैं हम थोड़ा सा वक्त निकालते हैं एक दूसरे के लिए, टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। इतनी सारी यादें होती हैं बचपन की जो तरोताजा हो जाती हैं। इट्स सच अ ब्लेसिंग टू लिव इन अ कंट्री जहाँ पर इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इतने ओकेजन्स हैं जो हमें एक बहाना देते हैं टू कम टुगेदर एंड टू सेलिब्रेट एंड टू लव ईच अदर एंड टू क्रिएट मोर मेमोरीज। सो आज का रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से बीता। आई होप आप लोगों का रक्षाबंधन भी अच्छे से बीता होगा। I'm gonna see you guys in the next vlog. Until then, keep loving each other.